हैदराबादी बिरयानी में सारे मसाले गिरते गए पर अगर नमक ही ना गिरे तो क्या मजा स्वाद का। ठीक वैसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर के सारे टॉपिक समझ में तो आ गए पर अगर लर्निंग ऑब्जेक्टिव ही समझ में ना आए तो क्या मजा ज्ञान का। तो चलिए जानते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर एक छोटे से कॉफी ब्रेक के बाद। सबसे पहले नमस्ते नमस्कार 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 वेलकम प्रणाम खंबा खड़ी सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल माय लवली डियर्स, दिस इज योर फ्रेंड एंड मेंटर गोविंद बेलाल एंड वंस अगेन वार्म वेलकम इन माय चैनल जीबी इन्फो टाइम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ दिस क्वेश्चन इज कमिंग इन योर माइंड, व्हाई आई एम लर्निंग बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर। What is the learning objective of Business Environment chapter in paper number 1, that is Business Environment and Law subject of CS Foundation program? I believe everyone has same question in mind. Then my dear friends, you are in right track. And in this lecture, you will get right and satisfactory answer, that is learning objective of Business Environment. Point to be noted, here we will cover only learning objective of business environment in a short and conceptual way, and rest topics will be covered in further lectures. So let's start the learning objective of business environment chapter. Business jo hai kai karanon ki wajah se affect hote hain, unhe hum factors kehte hain ya fir environment kehte hain. In factors ko ya fir environment ko broadly दो हिस्सों में बांटा गया है, फर्स्ट इज इंटरनल एनवायरनमेंट एंड अनदर इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक चीज याद रखिएगा, किसी भी चीज को हम जब कैटेगरीज में बांटते हैं तो डेफिनेटली उनमें कोई डिफरेंस होंगे, अगर हम उन डिफरेंस को समझ जाएं तो काम आसान हो जाता है। तो चलिए हम थोड़ा ना डिफरेंस को समझते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट एक्चुअली होता क्या है, इसे आप ब्रॉडली समझे ना तो ये है विद इन द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। Within the control of business, इसका मतलब ये होता है कि business इसको control कर सकता है, उसके पास power है। और external environment क्या होता है? Beyond the control of business, beyond means business के control में नहीं है, business के हाथ में नहीं है वो चीजें। और सबसे important बात, ये जो external environment है ना, ये बहुत ज़्यादा business operation पे प्रभावित होती है, बहुत important role निभाती है ये। चलिए ये बात तो समझ में आ गई है, और तरीके से भी समझते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट एक तरह से ना डियर, किसी चीज को अचीव करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए जाते हैं, वो होता है इंटरनल एनवायरनमेंट। यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट के लोग जो हैं एक सिस्टम तैयार करते हैं, एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है ना कुछ बातें लिखी गई हैं जिसे आप ब्रॉडली समझिए। फिलहाल विजन एंड मिशन, विजन एंड मिशन मीन्स व्हाट, विजन मीन्स व्हाट, आपका एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को अचीव करना है, लेकिन उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए कुछ छोटे बड़े टारगेट्स बनाने होंगे, उसे कहा जाता है मिशन। अब ये विजन और मिशन को सिस्टमेटिक तरीके से आगे चलना है तो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने होंगे, वो सब आते हैं अदर इंटरनल मैकेनिज्म में। और उसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, एक है एस्टैब्लिश फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क तैयार करना, जो भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करना, उन्हें इंस्पायर करना, उन्हें मोटिवेट करना, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें जो है ना इंटरनल एनवायरनमेंट में आती है, जो आप समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। और वैसे ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो बियॉन्ड है कंट्रोल बिजनेस के, तो वो सब कौन है? वो है ब्रॉडली आउटसाइडर्स। अब आउटसाइडर्स तो कौन होते हैं? डेफिनेटली जिन्हें आप काम के लिए अपॉइंट करते हैं, जो आपको माल उधारी पर देते हैं, जो आपका सामान या सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट पर लेकर आते हैं, गवर्नमेंट जो आपको बेनिफिट्स देती हैं, टैक्स बेनिफिट्स देती हैं, काम करने के लिए प्लेटफॉर्म देती हैं, और एट द एंड एंड यूजर कस्टमर आपके सारे प्रोडक्ट, आपके सारे गुड्स सर्विसेज किसे मिलेंगे? एट द एंड कस्टमर को मिलेंगे। तो ये चीजें हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, और ये आप भी समझ रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट में ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है बिजनेस को कई हद तक अफेक्ट करता है। क्लियर? तो ये दोनों को हमें साथ में लेकर चलना है, क्योंकि अगर हम ये दोनों को साथ में लेकर चलेंगे तब जाकर जो है आपका बिजनेस स्मूथली रनिंग करेगा, और डेफिनेटली आपको उस बिजनेस को सक्सेस मिलेगा। देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू स्टडी एनवायरनमेंट इन विच बिजनेस ऑपरेट्स। तो जिस एनवायरनमेंट में बिजनेस ऑपरेट होता है उस एनवायरनमेंट को पढ़ना बहुत जरूरी है।
अब इस बात को समझने के लिए ना आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको चीजें याद रहेंगी। हम ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ना बस को लेते हैं। देखिए पब्लिक वेलफेयर के लिए बस ट्रांसपोर्ट आई, ये सबको मालूम है, वो हो गया विजन। अब उस वेलफेयर को अचीव करने के लिए छोटे बड़े टारगेट बनाए जाते हैं, वो हो गया मिशन। अब ये विजन मिशन कौन बना रहा है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग, ये सब हो गए टॉप मैनेजमेंट। तो आप देख रहे हैं गवर्नमेंट दैट इज टॉप मैनेजमेंट, और जो विजन और मिशन बनाया गया है बस ट्रांसपोर्ट को सक्सेसफुली रन करने के लिए, स्मूथली रन करने के लिए, वो सब हो गए इंटरनल एनवायरनमेंट में। और बस में बस चलाने वाला ड्राइवर, बस को मैनेज करने वाला कंडक्टर, और एट द एंड कस्टमर पब्लिक, वो सब हो गए आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब देखिए ये सब साथ में क्यों लेकर चल रहे हैं? ताकि जो मोटो है गवर्नमेंट का वो अचीव हो सके। तो ये बिल्कुल ऐसे हो गया ना डियर कि दो पहिए की गाड़ी है और गाड़ी को चलानी है तो दो पहिया बहुत जरूरी है, एक पहिया भी डगमगा गया तो प्रॉब्लम हो गया। तो भैया दोनों टायर चाहिए, इंटरनल एनवायरनमेंट भी चाहिए और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी चाहिए। तो एट द एंड व्हाई वी आर लर्निंग बिजनेस एनवायरनमेंट टू नो व्हाट इज इंटरनल एनवायरनमेंट एंड व्हाट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दैट्स इट। थैंक यू। आई बिलीव यू हैव वेल मार्क्ड द कंसेप्ट। टिल देन सही सोचो, सही करो और खुल के अपनी लाइफ जियो। योर मेंटर एंड फ्रेंड गोविंद बेलाल।